नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रामनवमी के लिए इस तरह का पोस्टर डिजाइन करना सिखाएंगे। जैसा कि सामने स्क्रीन पर पोस्टर दिख रहा है दोस्तों, इस तरह का पोस्टर बनाकर यहां पर अपना फोटो लगा सकते हैं और फोटो के नीचे अपना नाम और मोबाइल नंबर बिल्कुल ही आसान तरीके से डाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का पोस्टर अपने मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल आसान तरीके से डिजाइन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार इसे अभी सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए दोस्तों, पोस्टर को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। हमने इस एप्लीकेशन को पहले से इंस्टॉल करके रखा है तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सिनेटेक्स को आपको यहाँ से हटाना है। इसे हटाने के लिए बस आपको यहाँ पर देखिए इस डिलीट वाली बटन पर एक बार क्लिक करना है, और आपको यहाँ से देखिए इस ओके के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है, जिससे सिनेटेक्स हट जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए इस वाले बॉक्स पर एक बार क्लिक करना है, और आपको इस साइड स्क्रॉल करना है, और यहाँ से देखिए आपको फ्रॉम गैलरी दिख रहा होगा, आपको फ्रॉम गैलरी पर एक बार क्लिक करना है, जिससे आपके फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आपको अपने फ़ोन की गैलरी में से इस इमेज को चूज कर लेना है, और यहाँ से देखिए आपको टिक वाले निशान पर एक बार क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये इमेज आ चुकी है। इस इमेज को कहाँ से डाउनलोड करना है वो हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे। उससे पहले दोस्तों आप सीख लीजिए कि इसमें फ़ोटो किस तरह से लगाना है और नाम और मोबाइल नंबर कैसे डालना है। इसी वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे इस इमेज को कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो लगाना है। दोस्तों वीडियो शुरू से लगा लास्ट तक एकदम ध्यान से देखते रहिए, तभी आप इस पोस्टर को बना पाएंगे। आपको फ़ोटो लगाने के लिए यहाँ से देखिए इस प्लस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है, और यहाँ से देखिए आपको फ्रॉम गैलरी पर एक बार क्लिक कर देना है, जिससे आपके फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आपको अपने फ़ोन की गैलरी में से आप जो भी फोटो लगाना चाहते हैं वही फोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों आप इसे क्रॉप करना चाहें तो इस तरीके से आपको क्रॉप कर लेना है। हमने इस फोटो को पहले से PNG में बनाकर रखा है। अगर आप PNG बनाना नहीं जानते हैं तो उस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब दोस्तों इस तरह से क्रॉप कर लेने के बाद आपको टिक वाले निशान पर एक बार क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, इस फोटो को इस तरीके से थोड़ा छोटा करना है, और आपको यहाँ पर अपने हिसाब से सही से एडजस्ट कर देना है। जैसे हम कर रहे हैं इसी तरीके से आपको अपने फ़ोटो को बिल्कुल सही से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर अपने फ़ोटो को बिल्कुल सही से एडजस्ट कर दिया है। अब आपको यहाँ पर अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना है। नाम डालने के लिए आपको प्लस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है, और आपको टेक्स्ट पर एक बार क्लिक करना है। इस टेक्स्ट को नीचे लाना है, इस पर डबल टैप करना है। इस नए टेक्स्ट को आपको यहाँ से हटा देना है। इसे हटा देने के बाद दोस्तों आपका जो भी नाम है वो नाम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, और आपको यहाँ से देखिए इस ओके के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नाम पड़ चुका है। इसे इस तरीके से बढ़ाकर आपको यहाँ पर अपने हिसाब से सही से एडजस्ट कर देना है। सही से एडजस्ट कर देने के बाद आपको यहाँ से देखिए इस ए पर एक बार क्लिक करना है, और आपको इस साइड स्क्रॉल करना है, और यहाँ से देखिए आपको कलर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है, और इसमें से आपको व्हाइट कलर चूज कर लेना है, और यहाँ से देखिए आपको टिक वाले निशान पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ से देखिए ए बी फॉन्ट पर एक बार क्लिक करना है, और आपको यहाँ से इसके फॉन्ट को चेंज कर देना है। आप जो भी फॉन्ट रखना चाहें वो फॉन्ट आप यहाँ से रख सकते हैं, और आपको ओके के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, इसका नाम का फॉन्ट भी चेंज हो चुका है। इस तरीके से आपको कर लेना है, और आपको यहाँ से देखिए इसी नाम की यहाँ से कॉपी कर लेनी है। जैसे आप कॉपी के बटन पर क्लिक करोगे नाम की कॉपी हो जाएगी। इसे नीचे लाना है, इस पर डबल टैप करना है। अब दोस्तों इस नाम को हटाकर दोस्तों आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना नंबर सही तरीके से टाइप कर देना है। तो चलिए हम यहाँ से अपना नंबर बिल्कुल सही से टाइप कर देते हैं, और आपको ओके के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी पड़ चुका है। इस तरीके से आपका पोस्टर बन के तैयार हो जाएगा। अब इस पोस्टर को फ़ोन की गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ से देखिए आपको शेयर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है, और आपको सेव टू गैलरी पर एक बार क्लिक कर देना है, जिससे ये पोस्टर आपके फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से रामनवमी का पोस्टर बना सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बैकग्राउंड की डाउनलोड लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इजीली से डाउनलोड कर लीजिए।